ये सब दृश्य हम फिल्मों में देखते आए हैं। फिल्म में जो किरदार होते हैं तांत्रिक का, बिल्कुल उसी तरह से पूजा पाठ चलता है, तंत्र मंत्र चलता है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, तो फिल्मों में जो हम देखते हैं वो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम एकदम रियल बिलासपुर के सिरगिट्टी शमशान घाट में हुआ है। रात के 12 बजे बिलासपुर का सिरगिट्टी शमशान घाट, चीता जल रही थी और चीता के बगल में 3 लोग मौजूद थे। वो लोग सामान्य लोग नहीं थे, तांत्रिक की वेशभूषा में बैठे हुए थे, तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे थे, सामने मोमबत्ती भी जल रही थी, सरसों का तेल था, धूप था, अगरबत्ती थी, इसके अलावा बहुत सारे सामान थे और एक कपल की फ़ोटो थी। कपल यानी कि शादीशुदा कपल की फ़ोटो थी। आपके मन में सवाल होगा कि तंत्र मंत्र और भी शमशान घाट में चीता जल रही है रात के 12 बजे, क्या है पूरा मामला। जब लोग पहुँचे, जिन्हें सूचना मिली, जिन्हें उन्हें देखा, क्योंकि कुछ लोग शौच गए थे रात के 12 बजे शमशान घाट के पास में, बिलासपुर का सिरगिट्टी इलाका है, वहाँ के शमशान घाट में ये सब चल रहा था। और इस तरह के दृश्य जो आपने ट्रेलर में देखा और आप देख पा रहे होंगे, ये सब दृश्य हम फिल्मों में देखते आए हैं। फिल्म में जो किरदार होते हैं तांत्रिक का, बिल्कुल उसी तरह से पूजा पाठ चलता है, तंत्र मंत्र चलता है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, तो फिल्मों में जो हम देखते हैं वो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम एकदम रियल बिलासपुर के सिरगिट्टी शमशान घाट में हुआ है। महिला तांत्रिक, उसके 2 सहयोगी भी साथ में थे। जब लोगों ने पूछताछ किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो शमशान घाट में, चीता बगल में जल रही है, मोमबत्ती जलाकर क्या कर रहे हो, अगरबत्ती जलाकर क्या कर रहे हो, धूप दीप, इसके अलावा बहुत सारे सामान थे, एक कपल की फ़ोटो भी थी, लोग डर गए पहले तो, ये कौन लोग हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का गुस्सा भी बहुत था, क्योंकि जिन्होंने देखा था शौच के बहाने, जो शौच गए थे, जिन्होंने देखा, आसपास के लोगों को बुलाया गया, भीड़ इकट्ठा हुई, और जब भीड़ उन तीनों लोगों को जो तंत्र मंत्र क्रिया में लगे हुए थे, जो भीड़ को देखने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उनमें से एक शख्स जो था वो लगातार भीड़ को कंट्रोल करने में लगा कि इनमें व्यवधान न डाले। जो महिला तंत्रविंद आप देख पा रहे हो, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जब लोग मौजूद हैं उसके बावजूद, तो महिला अपने तंत्र क्रिया में लगी हुई है, तंत्र क्रिया में लीन है। बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कर क्या रहे थे। जब इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, जब पुलिस के हवाले लोगों ने किया कि भैया ये लोग अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं, पुलिस ने जब पूछताछ की, पूछताछ में जो बातें सामने आई, बिलासपुर के शंकर नामक एक युवक है जिसका भांजा कैंसर की चपेट में है, कैंसर से पीड़ित है। इन्होंने जो बताया कि उज्जैन से आए थे बाकायदा, ये तीनों महिला उज्जैन से आई थी, महिला तांत्रिक, इन्होंने जो बताया कि शंकर ने इन्हें पूजा करने के लिए कहा था, तंत्र विद्या करने के लिए कहा था, उसका भांजा ठीक हो जाए कैंसर से। अब इसके लिए बाकायदा वो सारा सामान, सब कुछ जो तंत्र विद्या में यूज़ होते हैं, जो फिल्मों में हम आप देखते हैं, जो तांत्रिक यूज़ करते हैं, वो सब कुछ था एकदम रियल। पूछताछ में इन्होंने बताया कि भाई कैंसर से उस भांजे को ठीक करना है, उस युवक को ठीक करना है, इसके लिए जलती हुई चीता के बगल में बैठकर आधी रात को ये तंत्र क्रिया में लगे हुए थे। पुलिस ने इन्हें रिमांड में लिया, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की और अंधविश्वास फैलाने के आरोप में, अपराध में इन्हें प्रतिबंधात्मक धारा लगाकर जेल भेज दिया गया है। उज्जैन से आए थे बाकायदा, पूरी तैयारी के साथ आए थे। शाम के वक्त इन्होंने बताया कि शाम के वक्त ये मुक्ति धाम पहुँचे, यानी कि शमशान घाट पहुँचे, और शमशान घाट पहुँचने के बाद इन्होंने पूरी तैयारी की, क्योंकि शमशान घाट में अमूमन लोग नहीं आते, वही लोग आते हैं जिनका कोई अपना गुजरता है, दुख बांटने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी दिन में होते हैं। अमूमन शाम के वक्त में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, चिताएँ नहीं जलाई जाती।
तो इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि उस इलाका सुनसान रहता है, लेकिन शौच में जाने वाले लोगों ने उन्हें देख लिया। तंत्र क्रिया चल रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे और उसके बाद उन लोगों ने आपत्ति की, उन लोगों ने रोका तो उनके ऊपर भी उन्होंने रोक टोक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गुस्साई भीड़ ने इनकी पिटाई भी की कि अंधविश्वास को फैला रहे हो, अंधविश्वास की इस तरह से तुम दिखा रहे हो, बता रहे हो, उसके लिए उनकी पिटाई भी हुई है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि भैया गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, विशेषज्ञों के पास जाइए। इस तरह के तंत्र विद्या पूजा करा लेने से, इस तरह के तांत्रिक क्रियाओं से इलाज नहीं होने वाला, उपचार नहीं होने वाला। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने इस विषय को लेकर क्या कहा है। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपको परेशानी है, तो समाधान ढूंढिए, ना कि इस तरह के तंत्र क्रियाएं कराइए। शमशान घाट में रात के 12 बजे तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, सोचकर अजीब लगता है, देखकर और अजीब लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा और बिलासपुर के शमशान घाट का वो माहौल क्या था रात में, वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। तिरगिटी थाना क्षेत्र में कल देर रात में एक सूचना आई कि शमशान में एक महिला और एक पुरुष के द्वारा कुछ पूजा पाठ तंत्र क्रिया वगैरह की जा रही है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे अंधविश्वास फैलाने के लिए उनको थाने में लाया गया और उनके खिलाफ़ प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से वो महिला जो है उज्जैन की है और वो पुरुष लोकल है और अपने किसी परिजन के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ऐसा उसके द्वारा कराया जा रहा था। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी जनता से अपील भी है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तंत्र मंत्र जादू टोने का सहारा न लें, इसके लिए चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाएं और इलाज कराएं। ऐसे कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें इन तंत्र मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी, जालसाजी भी की जाती है। रुक 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 रुक